हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे गोल्ड बंद हुआ है 52,992 पे, लगभग 90 रुपये नीचे बंद हुआ है। फ्लैट नेगेटिव हमने क्लोजिंग देखी है। तो चलो शुरू करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। अभी तो मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट पर आप देख सकते हो कि गोल्ड दिखा रहा है लगभग 1.5% के गेन, लगभग 850 रुपये के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है फॉर द मंथ। और ये लगभग तीसरा महीना होगा गोल्ड के लिए जिसमें हम गोल्ड में पॉजिटिव गेन देख रहे हैं। हमने रैली शुरू की थी 47,000 से, लगभग हाई लगाया था 56 के अराउंड, वहाँ से करेक्ट होके फिर से जो है तो फ्रेश बाइंग जो है तो हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ फिर से लगता है कि हम 56,000 और हो सकता है कि पिछला जो हाई था उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो है लगभग 56,200 के अराउंड। तो कम से कम मुझे लगता है कि ये जो अभी फ्रेश सपोर्ट आया है मार्केट में बाइंग का, इसका टारगेट जो है तो 56,200 का बनता है लॉन्गर टर्म में। तो यहाँ गोल्ड जो है तो अभी भी बुलिश लग रहा है और हम जो है तो फिर से जो है तो ऑल टाइम हाई जो है तो उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ऊपर जाता है कि नहीं। हो सकता है कि अगर ये जो वॉर के हालात है और इन्फ्लेशन के हालात है वो बदतर होते हैं तो हमें 59,000 और लगभग ऊपर जो है तो 65,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि पिछले साल के टारगेट थे गोल्ड के लिए। वो गोल्ड जो है तो इस साल टेस्ट कर सकता है अगर ये जो हालात है ये ऐसे बने रहते हैं तो फंडामेंटली ये गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो मंथली चार्ट पे बुलिश लग रहा है और ये जो फ्रेश बाइंग है ये मुझे लगता है कि ये आगे भी कंटिन्यू होगी। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पर आप देख सकते हो हमने जो है तो पीओट के अराउंड शुरुआत की थी और लगभग तो 2-3 महीने में ही पूरे साल के टारगेट हमने अचीव कर लिए ड्यू टू रिस्क फैक्टर। और यहाँ जो है तो अभी इन्फ्लेशन की वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड जो है तो लॉन्ग टर्म बाय में चला गए हैं। और यहाँ जो है तो हमें शायद रिकॉर्ड हाई लेवल जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म में गोल्ड में देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल जो है तो 56,000 का आप मीडियम टर्म टारगेट पकड़ के चलिए। यहाँ हमने बराबर R1 के अराउंड सपोर्ट लिया है और अभी जो है तो R2 पे जो R2 का टारगेट था वो अचीव किया है। अभी जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 56,000 का। तो जिन्हें मीडियम टू लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ये इन्वेस्टमेंट कॉल है ना कि ट्रेडिंग कॉल। तो इन्वेस्टमेंट आपको किस में करना है, आप जो है तो 24 कैरेट गोल्ड में कर सकते हो, फिजिकल गोल्ड में, या फिर गोल्ड ETF में कर सकते हो। ये दोनों जगह आप इन्वेस्टमेंट जो गोल्ड बीज रहती है NSE पे उपलब्ध, उसमें कर सकते हो। और उसका जो टारगेट बनेगा आपका वो 56,000 बनेगा। ये ट्रेडिंग कॉल नहीं है क्योंकि फ्यूचर में जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो मोस्ट ऑफ दी जो है तो अज्ञानी लोग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता कि हर महीने का जो फ्यूचर रहता है वो प्रीमियम रहता है, उसमें रोल ओवर कॉस्ट रहती है और बाकी की चीज़ें। तो आप एंड में कभी भी प्रॉफिट में नहीं रहोगे। आपको इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड बीज में कीजिए, फ्यूचर में कभी भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। या फिर 24 कैरेट जो है तो प्योर गोल्ड लीजिए, कोल्ड कॉइन लीजिए, उसमें भी आप कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ी सी कॉस्ट पेयर करनी पड़ेगी, मगर आपको अगर आपका कॉन्जर्वेटिव है तो आप उसमें भी कर सकते हो। तो यहाँ मुझे लगता है कि वीकली एज पर वीकली चार्ट हम 56 की तरफ जा रहे हैं। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे मेरा जो टारगेट था वो सभी टारगेट अचीव हो चुके हैं। लगभग 52,500 से लेकर 52,950 का टारगेट जो है तो इस हफ्ते हमने गोल्ड पे आते हुए देखे हैं। यहाँ जो है तो गोल्ड में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है नीचे की तरफ। अगर आता है तो लॉन्ग जा सकते हैं, मगर आपको स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाना पड़ेगा। और यहाँ जो है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकता है। तो अगर आपको गोल्ड में फिर से बाय करना है तो आपको गोल्ड बाय करना है 51,700 टू 900 के अराउंड ही बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 51,500 के नीचे। करंट लेवल पे बाय करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस बनता है 6 स्टॉप लॉस वो 52,400 का बनता है। अगर वो ट्रिगर हो जाता है, और उसके ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ जो है तो आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ मार्केट जो है तो दोनों तरफ के बड़े बड़े मूव देगा क्योंकि मार्केट इसी बड़े मूव में वीक हैंड को ट्रैप करता है और उन्हें वाइप आउट कर देता है। तो जिनके पास अभी मेरी सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए और नीचे के लेवल का वेट कीजिए। इंट्राडे में बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अगर पोजिशनल ट्रेड लेनी है आपको तो 51,700 टू 900 के बीच में लेनी है। 500 का स्टॉप लॉस, 51,500 का स्टॉप लॉस, टारगेट जो है तो 52,950 और उसके बाद में जो है तो 54,700 के टारगेट जो है तो गोल्ड के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बनेंगे। करंट लेवल पे जिनका बाय उनके स्टॉप लॉस है 52,400 का, मगर मेरी सलाह रहेगी कि करंट लेवल पे बाय मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, नीचे आने पर ही बाय कीजिए। हो सकता है कि आपको जो है तो गोल्ड में एक डिप्स दिखाई दे। करंट लेवल पे मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा और फिर से जो है तो नीचे के लेवल का वेट करूँगा फिर से लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। अगर कुछ यहाँ जो है तो वर्क के फ्रंट पे बहुत ही बुरा होता है और पैनिक फैलता है मार्केट में, तो हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं मार्केट में। उसकी पॉसिबिलिटी कम है मगर वो आ सकती है, जिसमें उसके टारगेट रहेंगे 54,700, उसके बाद में 56,000 और उसके बाद में 57,800। ये ओवर स्ट्रेच है मगर ये हो भी सकता है अगर वॉर फ्रंट पे बहुत ही बुरी कंडीशन रहेगी तो, क्योंकि यहाँ जो है तो इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है हो सकता है कि गोल्ड जो है तो एज अ सेफ हेवन बाइंग लौट के आए और लोग इक्विटी और बाकी रिस्की एसेट में से पैसे निकाल के गोल्ड में डालना शुरू कर दे, तो उसकी वजह से यहाँ आपको अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल सकती है। उसकी पॉसिबिलिटी कम है मगर ये हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। करंट लेवल पे मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा, नीचे के लेवल पे आता है तो फिर मैं गोल्ड पे बाइंग का ही व्यू रहूँगा। यहाँ शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, यहाँ करेक्शन आ सकता है मगर उसमें मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। शॉर्ट करना भी होगा मुझे तो सिर्फ इंट्राडे में ही, और वो ट्रेड इंट्राडे में ही क्लोज कर देंगे। बाकी आपको जो मेरे इंट्राडे ट्रेड है उनका जो फ्री कॉल्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट कमोडिटी कॉल चाहिए विथ लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो मेरी प्रीमियम सर्विस ले सकती हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।